दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में शुक्रवार को कुलपति प्रोफेसर विजय सिंह ने नए मीडिया कार्यालय का फीता काटकर लोकार्पण किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय सिंह ने गुरु गोरक्षनाथ के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस संबंध में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय सिंह ने बताया कि प्रशासनिक भवन में स्थापित किए गए मीडिया कार्यालय के नए कमरे के अलर्ट हो जाने के बाद अब मीडिया कर्मियों को किसी भी कार्यक्रम में आने के बाद इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अब मीडिया कर्मी इस कार्यालय से जानकारी अर्जित कर सही खबरों को प्रकाशित कर हमें शिक्षा जगत को और अग्रसर बनाने में मदद करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय सिंह ने बताया। जितने भी नए शिक्षक अपॉइंट हुए यहाँ के शिक्षाविदों के द्वारा या डिपार्टमेंट के द्वारा एक्सपर्ट्स के द्वारा सबको उन्होंने बहुत गहन जानबीन के बाद 6 महीने तक जान किया जो मीडिया ने लंबे समय तक उठा था उसमें वो एक बात नहीं हाँ, मीडिया सेंटर मीडिया पब्लिक रिलेशंस के एक ऑफिस का आज विश्वविद्यालय ने इसकी एक शिलान्यास किया है। एक भवन एक कमरा अलॉट किया है। अक्सर ये शिकायत आती थी कि मीडिया हमारा सेंटर उसको एक कमरा न मिलने की वजह से एक संचालन में न्यूज को कवर करने में हमारे मीडिया बंधु जो पत्रकार बंधु आते थे विश्वविद्यालय में इधर उधर भटकते रहते थे, उनको भी बैठने की जगह नहीं मिलती थी। आप लोग चैनल वाले भी आते थे उनको भी समस्या जाती थी। तो सबके लिए एक कॉमन रूम की व्यवस्था की गई है जिससे हमारे जितने पत्रकार बंधु हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रिंट मीडिया के वो सब आएँ तो उनको समुचित व्यवस्था मिले। और महेंद्र जी अभी नए जो नियुक्त किए हैं इसके नियुक्त हुए हैं विश्वविद्यालय के द्वारा, उन्होंने आते ही इस कमरे की डिमांड की क्योंकि उनको कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं थी प्रॉपर। डिपार्टमेंट में भी उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रॉपर व्यवस्था नहीं रहती है, कॉमन रूम है जिसमें कई शिक्षकों के साथ मुझे बैठना पड़ता है।
तो ऐसा लगा विश्वविद्यालय को कि एक अलग से इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। आजय जी ने भी काफ़ी इसका कार्यभार संभाला और उसके पहले हर्ष जी ने इसका कार्यभार बहुत अच्छी तरह संभाला था। तो हमारे शिक्षकों के द्वारा यह संचालित किया जाता है जिससे मीडिया और विश्वविद्यालय के बीच में वाद संवाद हो सके और एक तरफा न्यूज अक्सर जो देखने को मिलती है कभी कोई पत्रकार बंधुओं के द्वारा प्रकाशित कर दी जाती है अगर घटनाक्रम को वेरीफाई किए हुए, तो आप लोगों के माध्यम से मैं निवेदन करूँगा पत्रकार बंधुओं से कि जो सत्य है वही प्रकाशित करें और वेरीफाई करने के बाद प्रकाशित करें। अक्सर हमारे पत्रकार बंधु कभी मीडिया हाइप करने के लोभ में न्यूज को गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं तो उससे विश्वविद्यालय की और छवि धूमिल होती है। तो हमारा सबका एक नागरिक, सम्मानित नागरिक होने की वजह से हमारा दायित्व है सभी का कि गलत प्रचार न करें, जो सही है उसको जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।